अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं, उस नौजवान के साथ पहुंचे हैं जिसने अपने इलाके में एक मिसाल कायम कर दी है। हमारे इलाके में इधर कपास गंदम तो हर वक्त होती है, हर सीज़न में एक कपास के सीज़न में कपास होती है और गंदम के सीज़न में गंदम होती है, मगर सब्ज़ी की तरफ ये इलाके में रुझान कम है। जहाँ एक नौजवान जो ज़रात के साथ मिला हुआ है, उसने अपने इलाके में एक ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो शायद हमारे इलाके में पहले नहीं हुआ करती हैं। आज हम उससे मिल रहे हैं जिसका नाम है कुदरत पिताफी, जो बारी अड्डा के साथ बैठा हुआ है और वहाँ उस नौजवान ने सब्ज़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी खेती में किए हुए है, जो उसको बहुत सा अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, जिसमें तूरी आम है, जिसे वल तूरी सिंधी में कहा जाता है। वल तूरी का फसल उसने उगाया हुआ है जिसमें उसको बड़ा बेनिफिट है। आज हम उससे मुलाकात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, अगर आप की नज़र से ये पहली बार हमारी वीडियो जा रही है तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। हम दोस्त से बात करते हैं। जी कुदरत, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने ये रुझान जो डाला हुआ है, पहले तो इलाके में ज़ाहिर है मुख्तलिफ फसलें होती हैं जिसमें चावल भी उगाया जाता था, कपास भी उगाई जाती थी और उसके बाद गंदम उगाई जाती थी। हमारे लोगों का यहाँ सब्ज़ी की तरफ रुझान बहुत कम था, आपको ये रुझान कैसे जहन में आया या आपने कुछ बेनिफिट देखा, इसमें क्या आपका प्लान था? यासिन भाई, मैं ये जो काम मैंने शुरू किया है, मैंने वैसे तो पेशे में काम करता हूँ, तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं। अच्छा। ज़्यादातर जो हमारे पास कॉटन ज़्यादा होता है, अच्छा, जिसे कपास की फसल काटन ज़्यादा होता है, ज़िम्मेदारों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस वजह से तो मैंने कहा यार ऐसी चीज़ कोई लाएं जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं बारिश की वजह से, ज़िम्मेदार काटन कामयाब नहीं हो रही, कामयाब नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो 3 साल से काटन पीछे जा रहा था। अगले साल मैंने ट्रायल की तरह वल तूरी का बीज ले आया, जिसकी मुझे एक पूड़ी मिली थी 700 की बीज की। मैंने सिर्फ एक खीरा लगाया था ट्रायल बेस पे। मैंने कहा लोगों को जो डिफरेंट कोई चीज़ दूँ, अगर वह हमने गन्ना भी उगवाया था, गन्ने के परमिट का इशू सिंध में वैसे आपको पता है, ज़िले घोटकी में अगले साल आगे गन्ने का बहुत बड़ा मसला था, वो भी नाकाम हो गया। फिर मैंने ये लगाया, एक खीरा मैंने लगाया वल तूरी का, उससे मैंने ट्रायल किया इसे मौसम के हालात से, हमारे एरिया में किस तरह होते हैं। लोग वैसे कहते थे, हम नहीं मानते थे, बाहर से वीडियो देखते थे हर चीज, ये मैंने ट्रायल किया। आपने ये देखना था कि हमारे इलाके में ये टेम्परेचर जो है ये उसको सूट करती है या नहीं, ये मौसम इसको सूट करती है आपस में नहीं। अच्छा। इसलिए मैंने उसे उगाया तो ऐसा हुआ, प्रोडक्शन 45 दिन में इन्हें प्रोडक्शन देना शुरू किया। अच्छा। मैंने लगाया 45 दिन में प्रोडक्शन देना शुरू कर दी, उसकी वजह से जहां मैंने ये भी रिसर्च किया, जैस फर्स्ट टाइम जिसे सूरज पड़ता था जिस पौधे को, उसने फर्स्ट टाइम वल तूरी दी। इसका मतलब है इसे सूरज भी ज्यादा हो, टेम्परेचर को ये बर्दाश्त करती है, ये खुश होती है टेम्परेचर पे। अच्छा। उसके बाद मैंने ये चुनाई शुरू की, अच्छी प्रोडक्शन, बिल्कुल एक खीरे की अच्छी प्रोडक्शन की हुई। उसके बाद पानी में इसने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, हमारा नहर आपको तो पता है, हमारा नहर नज़दीक है, एक घट लगा वो टूटा तो सारी वल तूरी में पानी आ गया, बहुत ज़्यादा पानी हुआ और फसलें हमारी मर गई, वल तूरी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने ये ढांढ लिया कि मैंने आगे यही लगानी है। अभी माशाल्लाह मैंने ये एक पहले तो अभी नहीं, 2-3 वैसे मैंने लगाए हैं। थोड़ा सा मैं कुदरत भाई ये बात करना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उन नाज़रीन को बताना कि जहाँ ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है या जिस जमीन में अगर सेम भी आ जाती है, कुदरत भाई का ये कहना है उसका खुद का जाती एक्सपीरियंस यही है। सेम नहीं, अच्छा, पानी ज्यादा, पानी, अच्छा, पानी जिस जगह पे ज्यादा बारिश हो, ज्यादा भी हो जाए भी इसको मसला नहीं होता, ये सुइटेबल फसल है, ये टेम्परेचर को हैंडल करता है, टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकता है। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं इसकी लगाने का तरीका क्या होता है? लगाने की ये मैंने लगाई थी 15 फरवरी को। अच्छा। 15 फरवरी को लगाओ आप, जैसे ही 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, क्योंकि अक्सर मौसम ये होता है ना, कभी सर्दी कुछ दिन बाद खत्म होती है, कभी पहले होती है, बीज कहीं भी नहीं जाता। अच्छा। वो पड़ा होता है, जैसे गर्मी सर्दी खत्म हो जाती है, थोड़ा गर्मी हो जाती है, ये उगना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये गर्मी सर्दी में इसका क्या पोजीशन है? आपने सर्दी में लगाई है? हाँ, लगाई है, मैंने ट्रायल किया था, कुछ पौधे मैंने ट्रायल किए थे, लेकिन सर्दी में मर जाते हैं।
सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सर्दी को करते हैं लेकिन जहाँ होता है ना कोरा पड़ता है। अच्छा, बड़ा ज्यादा, ज्यादा सर्दी जो होते बर्फ वो भर जाती है। अच्छा, ये आपने कितना तकरीबन लगाया हुआ है इस वक्त जो है? ये मैंने तो वैसे कुछ मिर्चे भी लगाई थी, कुछ बैंगन भी लगाए थे, कुछ भिंडी भी लगाई थी। ये मैंने लगाया था एक वैसा। अच्छा, क्योंकि एक वैसे की भी पैदावारी करना, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। ये देखो ना, ये है तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 दिन की। अच्छा, वाल्ट्री 2-3 दिन की है। अच्छा, इसमें कोई अपना फर्टिलाइजर? कोई फर्टिलाइजर मैंने DAP दी थी। अच्छा, ठीक है। इससे फ्रूट फले लगता है और कुछ नहीं लगता। लोग एग्रीकल्चर में ज़रा स्प्रे कराते हैं, ये करो, मैंने सिर्फ इमिडाक्लोपेरॉन का स्प्रे किया है। अच्छा, उसमें क्या क्या बीमारी आई थी जो आपने? फ्रूट फले। अच्छा, जो उड़ता है स्प्रे करो खत्म हो जाता है। अच्छा, और कोई बीमारी से नहीं है, कोई खर्च नहीं है, कुछ नहीं है। ज्यादा टेम्परेचर हो, ज्यादा जैसे 48-50 पे जाओ, कहीं के पौधे वायरस कर जाते हैं। अच्छा, उसलिए आपने MPK यूज करना है, 20-20 लगाओ, अच्छा हो जाता है। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन को ये बताना कि आपने जो जमीन लगाई है, जी जी, थोड़ा सा टुकड़ा लगाया हमने घुमाया, जी जी, इसकी आपको कितना बेनिफिट आया, कितना आप निकाल चुके हैं? देखो, 15 फरवरी से ठीक 45 दिन के बाद एक दिन छोड़ के मैं इसे मतलब एक मन निकालता हूँ। वो डेली आप बाजार में बेचते हैं? डेली बाजार में बेचता हूँ, मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में कितने किलो जाता है आपसे पहले? इसमें ये होता है कि अगर आज इसका 20 रुपए किलो, सुबह 25, वो इस तरह ऊपर होता है, नीचे ऊपर होता है। हमारा स्टाफ है छोटा सा, हमने उसे डन किया है। अच्छा, कितने में? शुरू में हमने उसे 40 रुपए दिया था, जब ऊपर नीचे होना था, रोला हो गया था लेन देन में, हमने उसे 20-25 रुपए में डन कर दिया। 20 रुपए भी हमारा आपसे डन है, 50 हो जाए भी डन है, 10 रुपए किलो हो जाए भी डन है आपसे, 20 उसने डन कर दिया। उसकी वजह से 800 का मतलब आप दूसरे हर दूसरे दिन 800 रुपए का देते हैं? देता हूँ, ये है एक वैसा। अच्छा, ये मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने जो बीज लाया अभी तक, ये आप इसमें जो है अपना ऑर्गेनिक एक फर्टिलाइजर भी दिया हुआ है, उसमें आपने जो है जहर भी दिया हुआ है, जी जी। अच्छा, ये जो खर्च आप मिला के टोटल इस वक्त कितना कर चुके हैं? आपके जहन में है, आप लिखते हैं तो होंगे? जी जी, मुझे जहन में है ना, क्यों ज्यादा तो नहीं है ना। अच्छा, 4 किलो मैंने इसे DAP दिया है। अच्छा, और तकरीबन 20-25 किलो यूरिया दिया मैंने। अच्छा, और 1-2 स्प्रे मैंने किया है। अच्छा, उसके बाद जो आपने खर्च किया है तकरीबन वो 5,000 तक होगा? 2,000 की कुड़ी मिली थी बीज की, ठीक है, 5,000 नहीं हुआ ना ज्यादा, 2,000-2,500 5,000 ये टोटल हो गया ऐसे समझो। 5,000 मतलब के बीज और इसके हल की समेत सारा कुछ जहर तक। हाँ, ये अगर आपने औसत लेनी है, प्रोडक्शन लेनी है, आपने ये टिंडलों पे लगाना है। ये मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये बात भूल जाए, थोड़ा सा उन्हें दिखाएंगे क्या कैसे लगाना है। मैंने तो वैसे सिंपल किया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्च भी होता है, लोग नहीं। क्या लगाना है इधर? ये लकड़े लगाए मैंने तो वैसे, झांदड़ी के लकड़े कहते हैं हमारे सिंध में होते हैं, ये लगाए हैं, ऊपर चढ़ा दिया उसे कोई जाली। अच्छा, अगर ये जमीन पे नीचे जाए तो ये अपनी औसत नहीं देगी? औसत है, प्रोडक्शन कम देती है। अच्छा, जब अगर आप इसको ऊपर देंगे ताकि इसकी जो है वाले जो ऊपर चढ़ जाए तो इस वजह से वो सेटिंग से चलती है। सेटिंग होती है, पानी इसमें भी टूट गया था। अच्छा, लेकिन कोई इसे देखो, मिर्ची मेरी मर गई है। हाँ, मिर्च जो है मेरी जल गई है, मर गई है। अच्छा, आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हमारे इलाके जो इस वक्त जिले घोटकी में क्या मिर्च कामयाब है आपको लगता है? नहीं नहीं, हमारे पास मिर्चियों मैंने ट्रायल किया है, मिर्च टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमारे पास मर जाती है, 2-3 तोड़ाइयां देती है। आपने पहले मुझे बताया था कि जो छोटे पत्ते वाले जो भी मतलब की फसलें हैं वो कहता है, कुदरत भाई का कहना है कि वो इधर कामयाब नहीं है। नहीं है बिल्कुल, जैसे मिर्च उसकी वजह क्या है कि वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, फ्रूटिंग नहीं देते, रुक जाती है, झलसा होकर बीमारी हो जाती है। अच्छा, इस वजह से इस वक्त जो आप तकरीबन आपने इसके बेनिफिट आपका कितना मतलब इससे कमाया हुआ है? भाई अभी हिसाब तो किए नहीं है ना, वैसे भाई वैसे तो चल रहा है, वैसे काम अभी हिसाब लगाओ ना भाई, 15 फरवरी से हिसाब लगाओ, हर दूसरे 800 कैलकुलेशन कर लो। अच्छा, अभी कितना महीना चल रहा है ये? आप ये तो सुबह पहली तारीख है, अगस्त की पहली, 8 ये आप चेक कर लो। अच्छा, मतलब के मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने हो गए, 5 महीने से 1.5 महीने निकालो। अच्छा, तो 15 फरवरी से लगाई ना, 1.5 महीने तो ये अपने प्रोडक्शन नहीं देते ना, 4 महीने लगा, 4 महीने 4 महीने हर दूसरे दिन आपने जो है ये फसल से 800 रुपए निकाला हुआ जो अभी तक आप वैसे उधर भी लगाई हुई, मैंने वो न्यू भी लगाई है, वो अभी तक उसकी कोई आगे नहीं सेल नहीं की उधर से, वो भी सेल हो रही है। अच्छा, ये भी सेल है? हाँ, वो सेल कितना निकल रहा है? वो भी नहीं, अब ये मैं कहता हूँ कि इतने महीने के बाद ये इसका कुछ जो है अपना प्रोडक्शन कम आ रहा है या सही आ रहा है, जिस तरह आता रहा है या बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं देखो ना, ये खुराक का हिसाब है, मेरे हिसाब से सही है, मेरे ख्याल से हर दूसरे हर पानी में ऐसे आप यूरिया देते जाओ। अच्छा, गोडी देते जाओ, आपकी न्यू की नहीं हो जाएगी जैसे अभी आपने उगाई है। अच्छा, ये पता है कितने दिन चलेगी? अच्छा, 11वें महीने तक, जब ये कोरा नहीं पड़ेगा ये चलेगी, कोई मतलब भी दिसंबर फसल और जनवरी। जी जी, हमारे इधर कोई ऐसा फसल नहीं है जो इतने लंबे रूट पे चले।
अच्छा कोई फसल नहीं है, मैंने ट्रायल किया, कोई चैलेंज करे, मैं इधर का हूँ ना, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कुदरत भाई जो है इस वक्त अपना FOI एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, उसका ये कहना है कि हमारे इलाके के हिसाब से इधर कोई ऐसा फसल नहीं है जो 7-8-9-10 महीने तक चले, यही पहला फसल है जो बेनिफिट दे रहा है, और आप लोगों को भी यही सलाह दे रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन को कहेंगे कि क्या इसकी जो है किस तरह खेती की जाए और वो कब करें और इससे ज्यादा फायदा किस तरह? देखो ना, बस वल्तरी मैंने ये भिंडी लगाई है, ये खत्म हो गया है। अच्छा। बैंगन लगाई, ये खत्म हो गया है, साथ लगाया था मैंने। अच्छा। ये चल रही है, देखो न्यूक्ली ये खत्म हो गया है। अच्छा। इसका मैंने पटोखी इतना भी नहीं लिया, ये इतना लिया है। लोगों को मैं ये कहना चाहूँ, जमीन अच्छी बनाओ, अच्छे तरीके से जखेज करो उसे, आपने एक हाथ पे साइज पे, ठीक है, 3 फुट पे साइज पे चूंगा लगाना है, नहीं 3 फुट, 3 फुट का एक चूंगा लगाना है, एक दाना 2000 का पैकेट मिलता है, F1 एडोंटा कंपनी का ये, इस जिसकी तुरी अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छी होती है, वो लगाएं, लेकिन बीज हाइब्रिड लें। अच्छा, इसके लिए? हाँ, लोग कहते हैं भाई हमने ले लिया, ठीक है 2000 का या 500 का बीज, बीज महंगा है, बीज के तो दो थोड़ा ही है, एक पैसे का कितना हुआ, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एक मन, ठीक है 800 रुपए का। हाँ, एकड़ का कितना हुआ, एकड़ में 40 वैसे होते हैं, मतलब ये 40 एक दिन छोड़ के दूसरे दिन 32,000 निकलेगा आपका। मैं चैलेंज करता हूँ, उगा के दिखाऊं, दोस्तों आप, आप सुन रहे हैं कि दूसरे हर दूसरे दिन 32,000 आप इस फसल से उगा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, एक एकड़ के हिसाब से, एक जिसे पहली भी कहते हैं उसका जो बेनिफिट है, और कुदरत भाई के एक्सपीरियंस के तहत वहाँ से आप हर दूसरे दिन 32,000 निकाल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फसल हो जो हर दूसरे दिन 32,000 निकाले। तो आप लोगों को चाहिए कि आप इस तरफ, इसी फसल की तरफ जाएं, क्योंकि अभी इस वक्त काटन की जो है सूरत हाल यही है कि काटन लोगों को जो है वो बेनिफिट नहीं दे रही, वैसे तो नुकसान ही दे रही है। आए तो गंदम की तरफ थे, गंदम भी इतना लोगों को बेनिफिट नहीं दे रही जितना उसका खर्च है। तो आप लोगों से आखिरी गुजारिश में ये करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लोगों में शेयर करो, और दोस्तों को लाजमी कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।